वेलकम टू क्लास वन एग्जाम फिजिक्स आंसर की देखिये जो वीडियो है इसमें आपको क्वेश्चन पेपर पे आंसर की बताया जा रहा है तो जो जो पहले पहला क्वेश्चन था द डिविशन प्रोड्यूस्ड बाय एन इक्विलेटर प्रिज्म नॉट डिपेंड ऑन किस पे डिपेंड नहीं करता है तो जो इसका करेक्ट आंसर है है ये होता साइज ऑफ प्रिज्म ऑप्शन नंबर बी साइज ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड नहीं करता है जो डिविशन प्रोड्यूस होता है प्रिज्म के द्वारा ठीक है सेकंड क्वेश्चन था द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंडू पॉइंट फोर इट मीन्स तो इसका मतलब क्या होता है हमसे ये पूछा गया है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन द डायमंड ठीक है ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री इसमें दिया गया है द ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट टेन सेंटीमीटर इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ ट्वेंटी सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस इट इज पॉसिबल टू कैप्चर दिस इमेज ऑन स्क्रीन सेलेक्ट ए करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है नो एज द इमेज फॉर्मड विल बी वर्चुअल तो इसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं क्योंकि इमेज क्या होता है वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है ठीक है ऑप्शन नंबर फोर है इसमें हमें एक रेड डाइग्राम दिया गया है और हमें बताना है कि इसमें कौन सा सही है तो so, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एन क्यू ठीक है फोर का ऑप्शन नंबर ए एन क्यू नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव द कलर ऑफ वाइट लाइट विच इज डिटेड लीस्ट बाई अ प्रिज्म इज तो क्या होता है रेड कलर रेड कलर सबसे लिस्ट डेविट होता है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर फाइव का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी रेड कलर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजुअल लाइट इज विजुअल लाइट का वेवलेंथ रेंज क्या होता है तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा देन है क्वेश्चन नंबर सेवन इसमें भी हमें एक फिगर दिया गया इसको ऑब्जॉर्व करके हमें बताना है कि इमेज कहाँ फॉर्म होगा तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर इसमें चार क्वेश्चन हमसे पूछे पूछेगा क्वेश्चन से नंबर सेवन में तो पहले का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इमेज विल बी रियल एंड इनवर्टेड ठीक है सॉरी इमेज विल बी रियल एंड मैग्नीफाइड तो ऑप्शन नंबर डी सेवन का ऑप्शन नंबर ए का डी सेवन के टू का जो है तो कौन सा लेंस है तो करेक्ट होगा इसके लिए हाइपर मैट्रोफिया हाइपर मैट्रोफिया ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट का है इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्लस थर्टी सेंटीमीटर फोर्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर c माइनस टू पॉइंट माइनस जीरो पॉइंट फाइव माइनस जीरो पॉइंट फाइव ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट तो क्वेश्चन नंबर एट का जो करेक्ट आंसर है न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर टेन डाइन सेंटीमीटर टेन का पावर सेवन नाइन सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी एट का नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन तो क्वेश्चन नंबर नाइन में दिया गया है कि कुली है जो लोड को अपवर्ड राइज कर रहा है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी देन द वर्क डन बाय द लोड तो क्वेश्चन नंबर नाइन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेगेटिव वर्क कर रहा है हो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन द एनर्जी चेंज ड्यूरिंग फोटोसाइनथेटिस इन प्लांट इज कौन सा एनर्जी है तो ये कौन सा होता है लाइट टू केमिकल एनर्जी लाइट टू केमिकल एनर्जी ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एवन यहाँ पे एक हमें स्केल डायग्राम दिया गया है तो उन्हें बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है ये चार ऑप्शन हमें दिए गए थे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ठीक है ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन है क्योंकि क्योंकि 40 सेंटीमीटर पे मार्क किया गया उसको तो द बोला विच ऑफ द फॉलो तो डायग्राम शो द करेक्ट पोजीशन ऑफ स्केल व्हेन इट इज सपोर्टेड एट द सेंटर अगर सेंटर पे सपोर्ट कर रहे हैं तो कौन सा इसका करेक्ट पोजीशन होगा ये हमें बताना है ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए इलेवन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए क्योंकि देखिए जब उसको फोर्टी पे सपोर्ट किया गया था तो वो बैलेंस था क्या था बैलेंस था लेकिन अगर इस इस वाले फलक्रम को हम थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये अनबैलेंस पोजिशन में आ जाएगा इधर मास ज़्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से जो ये आपका मेटर स्केल है इस साइड क्या होगा झुक जाएगा ठीक है इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इलेवन का ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट है ट्वेल्व नंबर ट्वेल्व स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग विच इज विच इज तो बोला कि नेम द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स रिक्वायर्ड होता है तो सेंट्रपिटल फोर्स ऑप्शन नंबर बी सेंट्रपिटल फोर्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का सेकंड हमें बताना है कि विच इज वट इज द डायरेक्शन ऑफ द एवोव मैंसन फोर्स एवोब मैंसन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए टूवर्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ टूवर्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन में हमसे पूछा गया कि बॉडी ऑफ मास टू हंड्रेड ग्राम फॉल्स फ्रीली फ्रॉम ए हाइट ऑफ फिफ्टीन मीटर तो वेन द बॉडी रिचेज टेन मीटर एब द ग्राउंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी तो हमें बताना है कि उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ट्वेंटी जूल ठीक है पोटेंशियल क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट और यहाँ मास किस में दिया है हमें मास ग्राम में दिया गया है तो इसको हम के में कन्वर्ट करेंगे तो मास क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट टू के जी जीरो पॉइंट टू के जी तो मास हम ले लेंगे और ग्रेविटी हमें टेन ऑलरेडी दिया गया है और हाइट भी क्या है तो टेन है जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ट्वेंटी जूल ठीक है तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टीन का सेकेंड तो थर्टीन सेकेंड का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बोला गया है द गेन इन केनाटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी वेन इट रीचेज टेन मीटर अबोव द ग्राउंड तो देखिए जितना पूछा जो टेन मीटर अबॉव द ग्राउंड जाएगा तो उसके कैनाटिक एनर्जी में कितना गेन होगा तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी टेन जूल ऑप्शन नंबर बी टेन जूल ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टीन का थर्ड द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इट विल पोजिस वेन इट जस्ट एबॉव अबाउट टू स्ट्राइक द ग्राउंड जैसे ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो टोटल मैकेिकल एनर्जी उसके अंदर कितनी होगी तो कैनाटिक प्लस पोटेंशियल थर्टी जूल ठीक है ऑप्शन नंबर सी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन थर्टीन के थर्ड का नेक्स्ट है थर्टीन का पार्ट फोर द वैलिसिटी इन मीटर पर सेकेंड विदिच द बॉडी विल हिट द ग्राउंड बॉडी किस वैलिसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी टेन रूट थ्री ठीक है तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इसमें बोला गया है कि ओमेन ड्रॉ बोला गया है कि वुमेन ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल ठीक है तो हमें बताना है कि द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ पुली क्या होगा तो जीरो पॉइंट फाइव ऑप्शन नंबर डी इसका मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इसमें पूछा गया था सिंगल फिक्स पुली इज यूज बिकॉज तो सिंगल फिक्स पुली हम क्यों यूज करते हैं क्योंकि ये क्या होता है इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फो एफर्ड कन्वीनियंटली यानी इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट ऑप्शन होगा फिफ्टीन का नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इसमें हमें एक पुली का डायग्राम दिया गया है और हमसे पूछा गया है वेलोसिटी रेशियो क्या होगा तो देखो जितना पुली होता है उतना ही इसका वेलोसिटी रेशियो होता है तो इसका वेलोसिटी रेशियो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी टू क्योंकि दो पुली हैं ठीक है थेके? इसलिए इसका वेलोसिटी रेशियो क्या होगा तो टू होगा नेक्स्ट है सेवनटीन विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैथमेटिकल रिलेशन तो देखिए पावर इक्वल टू क्या होता है तो फोर्स इंटू वेलोसिटी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी फिर पूछा है सेलेक्ट ए करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द इको डेप्थ साउंडिंग ठीक है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज कौन से होती हैं तो अल्ट्रासोनिक वेव यूज करते हैं ठीक है तो क्वेश्चन नंबर एटीन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर एटीन का ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन विच द फॉलोइंग डायग्नोसिस मैथड यूज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड किसमें हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को यूज करते हैं तो यह है इको डायकार्डियोग्राम कार्डियोग्राम इको कार्डियोग्राम नाम से पता चल जा रहा है कि इसमें इको का यूज किया जाता है इको कार्डियोग्राम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे यह काम करता है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इसमें हमें दे रखा है कि बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ वॉल प्रोड्यूस टू विसल पर सेकेंड ही नोटिस डेट द साउंड ऑफ इज कोइंसाइड विद इको द इको इज हियर्ड ओनली वंस वेन विस्लिंग इज स्टॉप्ड एंड जब विस्लिंग को हम स्टॉप कर दे रहे हैं तो इको एक बार में सिर्फ सुना जा रहा है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी जीरो पॉइंट फाइव सेकेंड ट्वेंटी का जो सेकेंड है द डिस्टेंस एट विच द बॉय इज स्टैंडिंग फ्रॉम द वेल फ्रॉम द वॉल सॉरी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी एटी मीटर कहाँ पर स्टैंड कर रहा है तो एटी मीटर पर स्टैंड कर रहा है ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ट ट्वेंटी का थ्री द स्पीड ऑफ साउंड इज इंक्रीज बाई सिक्सटीन मीटर पर सेकेंड कर अगर स्पीड ऑफ साउंड को हम सिक्सटीन मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर दें और जो बॉय है फोर मीटर अवे फ्रॉम द वॉल और बॉय फोर मीटर अवे चला जाए तो कितने देर में वो साउंड को सुनेगा तो उसका भी करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी जीरो पॉइंट फाइव सेकेंड ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइमिंग ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द वी सेल द इको को नॉट बीअ इको इस टाइमिंग में हियर नहीं हो रहा है तो जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव सेकेंड ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इसमें दिया है द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना फोर हंड्रेड नाइक्रो फोर हंड्रेड नाइनोमीटर टू एट हंड्रेड नाइनोमीटर इन वैक्यूम इज रेशलोसिटी ऑफ वेवलेंथ पूछा है ठीक है तो इसका रेशियो क्या होगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन वन इज टू वन ऑप्शन नंबर ए ट्वेंटी वन का नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर ट्वेंटी टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू में हमें दिया गया कि वन जूल बराबर क्या होता है

और दोनों का मोमेंटम सेम है इसका मतलब क्या है कि कनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ बॉडी बी तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का सेकेंड इफ द रेशियो ऑफ देश एनर्जी ऑफ ए एंड बीज फाइव इज टू टू देन मिच ऑफ द द द फॉलोइंग गिव्स मास रेशियो ऑफ बॉडीज रेस्पेक्टिवली तो कौन हमें मास रेशियो देगा तो देखिए तो मास रेशियो क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल टू इज टू फाइव ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ट्वेंटी थ्री के सी का ठीक है अब आ गया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर में हमें बोला गया है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सर्फेस ए बी इज सर्फेस ए बी पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा तो हो जा रहा आपका फोटी सेवन डिग्री सेल्सियस फोर्टी फोर्टी सेवन डिग्री क्योंकि अगर यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रा करेंगे तो ऑलरेडी फोर्टी थ्री का एंगल बना हुआ है और यहाँ कितना बच जाएगा फोर्टी सेवन बचेगा तो फोर्टी सेवन डिग्री ठीक है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर के पहले का करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्टी सेवन डिग्री ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का सेकेंड हमें इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर सी है द रे द रेड सर्फेस एड इज ट्रेवलिंग एलोंग द रेडियस ऑफ कर्व्ड पार्ट तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का थ्री ट्वेंटी फोर के थ्री में हमें दिया गया है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द सर्फेस बी सी तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फोर्टी थ्री डिग्री सेल्सियस सॉरी फोर्टी थ्री फोर्टी थ्री डिग्री फोर्टी थ्री डिग्री द क्रिटिकल एंगल ऑफ दिस मटेरियल मटेरियल ऑफ ग्लास इसका क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा तो क्रिटिकल एंगल भी क्या है तो ऑप्शन नंबर बी फोर्टी थ्री डिग्री फोर्टी थ्री डिग्री नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव इसमें हमें एक डायग्राम दिया गया है और बताना है द एंगल सी ऑफ द प्रिज्म इज प्रिज्म का एंगल सी क्या होगा तो प्रिज्म का एंगल सी जो हो जाएगा हो जाएगा आपका थर्टी डिग्री क्योंकि यहाँ पे सिक्सटी डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा ये होगा सिक्सटी डिग्री का और यहाँ कितने का एंगल बचेगा तो थर्टी डिग्री का बच जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी पहले का करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी थर्टी डिग्री ठीक है थर्टी डिग्री नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव का सेकंड इसमें हमें बता रखा है कि इसमें हमें डायग्राम दिए गए हैं और बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शो द करेक्ट पाथ ऑफ दिस रे टिल इट इमर्ज आउट ऑफ द प्रिज्म जब प्रिज्म से इमर्ज करेगा तो कौन सा डायग्राम है जो करेक्ट पाथ बता रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है ठीक है ऑप्शन नंबर बी ट्वेंटी फाइव के सेकेंड का तो अगर आप इस पी डी का लिंक डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन के पेपर के साथ हर एक क्वेश्चन का आंसर भी इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा थैंक यू